तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, आपको बता दें चलते चलते कार में अचानक से आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर जुड़ पहुंची है। अब देखना यह होगा कारण क्या रहा होगा, लेकिन फिलहाल चलती कार में आग लग जाती है और पूरे शहर में धुआं ही धुआं देख सकते हैं, धुआं ही धुआं पूरे आसमान में छाया हुआ है और चलती कार में आग लगने का कारण फिलहाल नहीं पता। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है, प्रशासन की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और आग को जो बुझाने का काम है, प्रयास है, वो जरूर किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल कारणों का नहीं पता किस वजह से आग लगी है और इस गाड़ी में कौन सवार था, ये जांच का विषय है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और आग पर फिलहाल काबू जरूर पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पा लिया गया है और जो पुलिस अधिकारी यहां पर कर्मचारी पहुंचे हैं फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बनी रहेगा, पल पल की अपडेट रहेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर मौके पर पहुंच जाती है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जरूर चरमरा रही है। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ITI चौक की तस्वीरें हैं, ITI चौक पर पूरी के पूरा जाम की स्थिति है वो जरूर बनी हुई है और आग को बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी और जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची है। जहां जहां आग के हल्के सी भी कोई झलक दिखाई देती है तो उस पर को बुझाने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी जरूर करेंगे जो यहाँ पर मौजूद थे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सुरक्षित है आप, आपकी वाइफ, बच्चा वगैरह तो कोई नहीं? बच्चा दो ही लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बस करनाल से थे सर, मैं यहाँ पे वाइफ के साथ यहाँ पे आया था किसी घर। अच्छा, मैं घर ही जा रहा था यहाँ से। करनाल के ही रहने वाले आप? तो आप देख सकते डॉक्यूमेंट्स और इनके मोबाइल निकाल के इनको सौंप दिए थे मैडम को और फिर फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर। लेट से आई है फायर ब्रिगेड? हाँ, थोड़ा टाइम तो लग गया आने में इसको। फायर ब्रिगेड पुलिस भी देरी से पहुंची? हाँ, पुलिस तो अभी पहुंची आपके सामने। पा लिया आग पे काबू? पा लिया? हाँ पा लिया, ठीक है, सब बचा हुआ है। यौन गाड़ी है और आपको बता दें पति पत्नी जा रहे थे और अचानक से पेट्रोल का कोई लीक हुआ है, क्या कारण है? फिलहाल आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने के बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू करते हुए नजर आ रहे हैं। ITI चौक की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, 112 की टीम मौके पर पहुंची है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, जमावाड़ा है, जोर एकत्रित हो चुका है और पूरे बादलों में हवा ही, माफ कीजिए, धुआं ही धुआं था चारों तरफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच कर जो जांच है वो जरूर करते हुए नजर आ रही है। पति और पत्नी इस यौन गाड़ी में थे, अचानक से पेट्रोल कहीं से लीक होता है और आग पकड़ लेता है जिसकी वजह से आग ही आग पूरे रोड पर आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि किस तरह से धुआं ही धुआं था और पूरी कार को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया है और आग जलकर कार बिल्कुल राख हो चुकी है। और यौन ये गाड़ी है, पति पत्नी इस गाड़ी में सवार थे, दोनों फिलहाल सेफ जरूर है लेकिन जो गाड़ी है वो बिल्कुल राख हो चुकी है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल ITI चौक के दिखा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जरूर पहुंच चुकी थी, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। चलती गाड़ी यौन में अचानक से आग लग जाती है और जब तक कोई पहुंच पाता, जब तक कोई समझ पाता तब तक गाड़ी में धूं धूं कर आग से गाड़ी बिल्कुल चलकर राख हो चुकी थी। जो पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। यहां पर आप पहुंची है, ये सूचना मिली थी कि गाड़ी आगे से आगे थोड़ा गाड़ी में कोई किसी कारण से आग लगी और परिवार में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मोटा नुकसान होने गाड़ी जरूर कर गई है, तो ये सूचना मिली हमसे। आज तक यहाँ अभी थोड़ा देरी से ही पहुंचे, देरी से हम पीछे हम बैक साइड में नूरमेंट की साइड खड़े थे, दूसरा हमारे सूचना के लिए तब वहाँ पे जल गई है पूरी गाड़ी। हाँ, गाड़ी पूरी जल गई है, बाकी और ऐसा कोई नुकसान नहीं। करनाल के ही रहने वाले? हाँ, करनाल के रहने वाले बता रहे थे, पीछे मिलने गए थे तो वापिस घर जा रहे थे। कहाँ पर हुआ ये हादसा, लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है ITI चौक के और निर्मल कुटिया बीच। ITI चौक से निर्मल कुटिया की तरफ जो रास्ता जाता है, फिलहाल पति पत्नी गाड़ी में सवार थे और किसी से मिलने के बाद अपने घर की तरफ जब रवाना होते हैं तो अचानक से ITI चौक से निर्मल कुटिया के बीच में अचानक से आग लग जाती है। फिलहाल 112 की टीमें जो है मौके पर जरूर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि फिलहाल आग पर काबू जरूर पा लिया गया है लेकिन आग पर काबू पाने तक जब तक गाड़ियां पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, 112 की टीमें मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी की पूरी जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल पति पत्नी दोनों सेफ हैं और हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बार बार अपील करते हैं जहां तक हो सके अगर
किसी माल का नुकसान होता है तो वो माल की भरपाई जिंदगी भर हो सकती है, लेकिन आपको खुद को सेफ रखना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। और तमाम जानकारी से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।